बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? सब वधिया वे। अज असीं बनावांगे कोफ्ते, जिहड़े बड़े आसान ते बड़े ईजी बनते हैं। बड़ी आसान जी रैसिपी तुहानूं शेयर करांगे। उहदे वास्ते मैं तीन पाउच हैगा जी कीमा लिता जी, बीफ कीमा है जी वड्डे गोश्त दा जी। ए देखो ए बिल्कुल जिहड़ा बरीक पिसवाया जी, तुसीं बिल्कुल बरीक जो कोफ्ते दा कीमा होंदा बिल्कुल बरीक पिसवाना जी। तो मैं भी इहनूं बाज़ारों पिसवाया बिल्कुल बरीक। और उहदे बाद सब तो पहले जिहड़ा मैं इस्तेमाल जी करांगे चन्नियां दा आटा, जिहड़ा हैगा 2 टेबल स्पून जिहड़ा हैगा भुन्ने होए चने नहीं होंदे उन्हां दा पाउडर मैं बना लिया 2 टेबल स्पून। 2 चम्मच तुसीं इहदे विच पा दिओ, बड़ी अच्छी इहनां दी ग्रिप हो जांदी जी। तो उस तों बाद ना 1 टेबल स्पून 1 चम्मच जिहड़ा हैगा जी ना मैदा, ठीक है। तो उस तों बाद तुसीं इहदे विच 1/2 टीस्पून जिहड़ी हैगी अजवाइन हैगी जी, इह तुसीं डाल दो, बड़ा इहदे नाल भी बड़े वधिया बणदे जी। और जी तुहाडे नाल मैं फ्रोजन कोफ्ते जिहड़े हैगे रैसिपी शेयर कर रही सी, इहनां नूं फ्रोजन बनावांगे। फ्रोजन किस तरह तुसीं रखदे हो तुहानूं दस्सणा सी, मैं तो ईजीली होंदे बिल्कुल। और 1 टेस्पून भर के मैं लै रही हूँ लसन अदरक का जरा पेस्ट है वह डाल रही हूँ। और हरी मिर्चा नहीं है ने, 3 हरी मिर्चा मैं बिल्कुल चॉप कट कीतियां ने, देख सकते हो 3 हरी मिर्चा चॉप कट। 1 टीस्पून जिहड़ा हैगा जी नमक, 1 टीस्पून रैड मिर्च पीसी हुई जिहड़ी पा देवांगी मैं, और 1 टीस्पून जिहड़ा हैगा चिली फ्लैक्स जिहड़ी है डाल दांगी मैं, 1 टीस्पून भुनिया हुआ जरा जीरा होंदा वे वह ऐड करांगी मैं, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जिहड़ा हैगा अद्धा चम्मच जिहड़ा जो तुसीं इहनां च पा देवो गरम मसाला पीसिया होया, अद्धा कप जिहड़ा हैगा तुसीं इहदे च ना धनिया पा देवो जी, 1 जिहड़ा हैगा वे लीमू नींबू दा रस जी। इह जिहड़ा नींबू सी मैं चोड़ लिता है, हुण असीं अच्छे तरीके नाल सुहाग दे नाल अच्छे तरीके नाल जिहड़ा हैगा ना असीं इहनूं मसलांगे कि बिल्कुल यानी कि ना ए हो जाए। तो बड़े ही वधिया जिहड़े फ्रोजन कोफ्ते है तैयार होंदे ने आला, भावें तुसीं 1 महीने तक इस्तेमाल करो 2 माह तक इस्तेमाल करो बेहतरीन ने तुहाडे रहिंदे ने, कोई इन्हां नूं प्रॉब्लम नहीं होंदी, बड़े वधिया बनते जे। तुसीं बनाओगे तो देखना फिर दसना कमेंट से तुहाडे बनाए कैसे बने, उस तरीके नाल तुसीं मसल लो उन्हां नूं, हर सारी चीज़ां जिहड़ियां रच मच जाने इक्को जिहियां होईयां सब चीज़ां ना जी। मैं इहदे च ना 1 टेबल स्पून 1 चम्मच होर पा रही हूँ मैदे का, क्योंकि ग्रिप पास अच्छे होंगे ने, तो मैं थोड़ी नमी लग रही थी इस गलो मैं पाता, तुहानूं भी अगर कैसा लगे तुसीं पा सकदे 2 चम्मच ना, ठीक हो गया। बस कीमे च नमी नहीं होनी चाहिए, नमी होगी तो कोफ्ते फिर अच्छे नहीं बनते है जी। ये मैं कोफ्ते हम बना रही हाँ, तुम इन्ना जिन्ना पीस लैना नॉर्मल जिन्ना जिन्ने तुम व्डे करने होने, पहले अच्छे तरह एयर कट देनी बच्चों हवा शवा कट देनी, ठीक है। तुम ऐसा ऐसा करो कि 2 दफ़ा बिच हवा निकल जाएगी जी एयर होंगी, फिर आराम के नाल ऐसा ऐसा करो तो बेहतरीन साढ़ा कोफ्ता है। देख लो जी माशाल्लाह साढ़ा कितना प्यारा कोफ्ता जो है तैयार हो गया। इस तरह सारे बना रही, मैं थोड़ा हाथ में ऑयल लगा के और बना रही हूँ, तो जिन्ना तुम चाहिए छोटा बड़ा से अपने हिसाब का कर लेना, इस तरह ही बन जाए जी। देखो जी मैं सारे जो कोफ्ते है तैयार कर लेते हैं और माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार होए हैं। हुण असीं इहनूं करांगे फ्रीज़, कोई पेपर तुहाडे कोल घर पेपर होंदे ने तुसीं उहनूं इस तरह पट लवो, कट के शॉपिंग बैग जिहड़े होंदे बिछाओ इहदे नीचे इस वास्ते कि उह ना फ्रीज़ होकर नीचे चिपक चिपकन वाला ना, ठीक हो गया। हुण जिहड़े सारे कोफ्ते ने असीं इहदे विच सारे लगाए जावांगे जी। इह देखो इह रखे ने हुणे, बाकी फिर पेपर लगा दांगी मैं ते बाकियां दे उपर आउंदे जी। इस तरह असीं इहनूं रख दित्ता है, हुण इह पेपर उपर दे के इहनूं मैं कवर कर दांगी, इन्हें कवर करके असी उन्हें फ्रिजर च रख देवे। तुम उन्हें फ्रिजर च रख के एनू 1 माह तक 2 माह तक बस ते फ्रोजन रहने चाहिए कि मेल्ट ही होने चाहिए, तुम इन बनाने पकाने ने असी उत्ते रात को निकाल देते हैं, सुबह फ्रिज में आराम सॉफ्ट हो जाते हैं, आराम फिर उन्होंने पकाओ बेहतरीन तैयार होंगे ने। और तुम अगर 1 घंटे 2 घंटे पहले भी फ्रिज निकाल लें तब भी पका सकते हो ईजीली, कोई मसला नहीं है। असी इन कवर करके हूँ मैं फ्रिजर च रख देंगे जी। देख लो इनू असी फ्रीज कर लेता है, फ्रोजन हो चुके हुए हैं, तुम उन्हें 1 महीना रखो 2 महीने रखो, असी इस तरह रख के असी करने हैं। तो हूँ बिल्कुल जे रेडी देख लो, तो असं जो बनावे उदू वीडियो तुम्हें भी शेयर करा, तुम वीडियो अच्छी लगे इन रैसिपी अच्छी लगे लाइक सबसक्राइब शेयर बैल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो तुम नवी आसानी मिल सकन, तो प्यारा जिक्र जरूर करो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।